ये सवाल आप में से किसी ने किया है कि अभी इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ कि कोई लड़की सीधा डालने की बात करती है ना, तो वो किस में इंटरेस्ट दिखाती, ना वो फोर प्ले में इंटरेस्ट दिखाती, बस उसको यही रहता है कि जल्दी से मेरे अंदर डाल दो। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैं तो किस करना चाहता हूँ, स्मूच करना चाहता हूँ, इंजॉय करना चाहता हूँ। तो इसके पीछे बेसिकली तीन रीजन हो सकते हैं, तीन कारण जो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक तो ये हाइजीन इश्यू, कि हो सकता है आप अपनी हाइजीन अच्छे से मेंटेन ना करते हो, मुंह में से बदबू आती हो। अब आप बोलेंगे कि हम तो कोलगेट करते हैं सुबह शाम, दो टाइम कोलगेट करते हैं, तो भाई तीन टाइम आप खाना भी तो खाते हो, तीन टाइम खाना खा रहे हो और बीच में कुछ ना कुछ आपका मुंह चलता रहता है, तो मुंह में बदबू हो सकती है। कोई भी ऐसा हाइजीनिक इश्यू तो अपनी अच्छे से देख रेख नहीं करते, क्लीनिंग इश्यू है, तो ऐसे में जाके आप डायरेक्टली उसके ऊपर टूट जाओगे, किस करोगे, स्मूच करोगे, तो हो सकता है वो आपको बोल ना पा रही हो लेकिन बचती हो कि यार मुंह नहीं लग रहा, हाँ तुम बस मेरे साथ कर लो। दूसरा क्या कारण हो सकता है, फीमेल खासकर जो घरेलू महिलाएं होती है ज्यादातर अपने आप को बिजी रहती है वो अपने घर परिवार की जिम्मेवारियों में, तो उनका ना एक टाइम भी आने के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उन्हें ये सारी ना फॉर्मेलिटी लगती है, उन्हें ऐसा लगता है यार जल्दी जल्दी करके खत्म करूं मैं, मेरे को तो इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं, इसे पता नहीं क्या अभी तक इसकी जवानी का जोश नहीं उतरा है, लगा रहता है ऊपर चढ़ा ही रहता है, यार उतर जाना, उसको अपने प्लेजर से कोई खास मतलब नहीं होता, उसे बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है, तुम्हें निफराम कर दिया अब मुझे ये काम निपटाने वो काम निपटाने, इसलिए एक आदमी ना तो रात में सेटिस्फाइड हो पाता है उसके साथ और ना ही दिन में, क्योंकि रात में उसे सुबह उठने की जल्दी रहती है और दिन में उसके काम पड़े रहते हैं, इसी वजह से एक आदमी पूरी तरह से उसे कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो पूरी तरह से सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाता ना। तो ये एक कारण हो सकता है कि वो किसिंग फोर प्ले से बचती है, क्योंकि ये चीजें टाइम लेती है, जो चीज 10 मिनट के अंदर डाला और निकाला हो रहा है वहां पे आप अगर पूरे सेक्स को एक तरीके से एंजॉय करोगे तो आधा एक घंटा तो चीजें लेती हैं, और आधे घंटे में उसे लगता है मेरी तो सब्जी कट जाएगी, मेरे तो कपड़े धुल जाएंगे, वो अपनी इच्छाएं काफी हद तक भूल ही जाती है, और जब वो अपनी इच्छाएं अपने प्लेजर भूल जाती है तो आपका भी उसे प्लेजर तो याद ही रहता है, लेकिन उसे बस एक ही चीज समझ में आती है कि वह डालो और निकालो, हो गया, तो वहां पे वो इंटरेस्ट कम दिखाएगी। अब तीसरा कारण, अगर पति पत्नी के बीच में कोई कलह कलेश है, कोई मन मुटाव है, मन बिल्कुल उचड़ चुका है, साथ भी आए लेटे तो कांटे से चुभते हैं उसे, और एक इंटीमेसी वो जो एक होता है ना कि हाँ मुझे सेक्स करना है वो वाली चीज नहीं है, मुंह से बोल नहीं पा रही है लेकिन झेलो जैसा लगता है उसे, अपने साथ इसी चीज को लेके मत जाना। पर्सनली मैं उस कपल की बात कर रही हूं जिनके रिलेशनशिप में खिंचाव, कड़वाहट, एक म्यूचुअल डिस्टर्बेंस है, एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, बस चीजें करने को करते हैं कि हाँ कर लेते हैं, एक ड्यूटी सेक्स उनके बीच में हर हफ्ते 15 दिन में होता है या करना पड़ता है, कर लेते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा जो होता है मेल पार्टनर इंटरेस्टेड होता है, वो फीमेल पार्टनर तो उसकी कभी कहते भी नहीं है कि कर ले मेरे साथ, क्योंकि वो ही नहीं लगाना चाहती है, तो ऐसे में वो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें करेगी, आधे कपड़े खोले नहीं भी खोले डाल ले निकल ले, तो वो मुंह क्या लगाएगी, वो किस क्या करेगी, वो फोर प्ले क्या करेगी, उसके लिए वो सेक्स सेक्स नहीं है और झंझट है, रफा दफा करो, क्योंकि उस इंसान से उसे परहेज है ना। तो ऐसे सिचुएशन में भी कोई लड़की जो है वो पूरी तरह से मन से तैयार नहीं होती, तो वो किसिंग फोर प्ले इन चीजों में नहीं पड़ती, वो ऊपर ऊपर से करके खत्म करती है, एक ड्यूटी सेक्स हो रहा है उनके बीच में। और एक और वजह हो सकती है कि किसी लड़की को एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है कि यार रहा नहीं जा रहा, आप तो बस डाल दो, तो वो वाली जो चीज होती है वो तो आपको पता लगी जाएगी कि हाँ एक्साइटमेंट हो रही है, और वो आपको समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी आपको भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती होगी, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन जो तीन कारण है बेसिकली जब कोई लड़की किसिंग के लिए मना करती है, वो उसी तीन कारणों के इर्द गिर्द घूमते हैं, आप अपना कारण पहचान लीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए।